इस मुल्क को ये दिखाना है, इस राज्य को ये दिखाना है, उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा देना है जो ये कहते थे कि मजलिस से इत्तेहाद और मुस्लिम फिर सा परत जमात है। जो लोग ये कहते थे कि ये सिर्फ मुसलमानों की जमात है, अगर ये बात होगी तो मेरे स्टेज के ऊपर चार मुसलमान कैंडिडेट्स है जो हमारे पास इंटरव्यू दिए, फॉर्म भरे, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि अगर आपको टिकट नहीं दिया जाता है तो आप क्या कहेंगे, मुझे फख्र है इन चारों के ऊपर जिन्होंने ये कहा कि अगर हमें नहीं मिलता है कोई बात नहीं, पार्टी जो फैसला करेगी हम उस पर लबैक कहेंगे। जब ये जज्बा पैदा होता है तब कामयाबी मिलती है। हमें पूरा यकीन है 21 तारीख के दिन पैठन की सरजमीन पे आप लोग की तारीख दर्ज करवाने जा रहे हैं। अगले कुछ दिन कितने दिन बचे हैं, 16-18 दिन, बहुत धरना से कैंडिडेट्स और खड़े हैं यहां पर, अपने साथियों से कहना गले में मफलर किसी का भी हो 21 तारीख को से पता हो रही है। मांझा किसी का भी चलेगा, पतंग हमारी हो रही है। हम भी देखना चाहते हैं कि इस बार के विधानसभा के अंदर जब हम जाएंगे 2014 के अंदर जब हम गए तो मैं था और मेरे साथ वारिस पठान था, लेकिन इस बार मैं असद साहब के साथ चले गया, अब वारिस पठान के साथ प्रहलाद राठौर जाएगा, प्रहलाद राठौर के साथ एडवोकेट शंकर संगर जाएगा, और धन्ना समाज का मेरा भाई है सोलापुर से जिसे हमने टिकट दिया है, मातंग समाज का हमारा एक भाई है जिसे श्रीरामपुर से हमने टिकट दिया है, धोबी समाज का महाराष्ट्र का अध्यक्ष जिसे हमने रावेर जलगांव से टिकट दिया है, उसका नाम इत्तेफाक से ठाकरे है, वो ठाकरे भी अब हमारे साथ आ गए। अब देखिए वक्त कैसे बदलता है। बस आप लोगों से सिर्फ इतनी इंतजार है इस बार ये जलसा खत्म होने के बाद हमें औरंगाबाद का भी जलसा लेना है। मैं दोबारा यहां पर आऊंगा, लेकिन इस बार मुझे मालूम है कि इतनी सारी आवाम जो इकट्ठा हुई है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे खाया